है एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग एप फाइन सो टूडे वी विल सी कि आपका फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज कैसा रहेगा यहाँ पे तीन पाइल्स हैं आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो द फर्स्ट वन इज़ दिस फिश सेकेंड वन इज़ दिस वैन लास्ट बट नॉट द लीज बेबी सो इनमें से जो भी आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है वो आप मेडिटेट करके चूज कर लीजिए थैंक यू सो मच हाय वेलकम बैक पाइल नंबर वन जिन्होंने भी फिश चूज़ किया था आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही खूबसूरत होगा फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज में क्योंकि जो फिश होता है वो प्रेगनेंसी को भी दर्शाता है और एक ग्रोथ को भी दर्शाता है ओके okay? बहुत ही ग्रोइंग रिलेशनशिप होगा आपका ओके okay? इस पर्सन के साथ अब देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं ओके गाइस ओके सो आपके कार्ड्स हैं बियर लिजर्ड डियर डॉल्फिन डब ड्रैगन फ्लाई ये सारे आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं तो आप इनसे भी प्रे कर सकते हो और इनसे मांग सकते हो कि आपका फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज बहुत अच्छा रहे ये सब आपको आपके सपने में आएंगे आपको 5D में भी दिख सकते हैं ये 4D में भी दिख सकते हैं और आपके सपने में ये सारी चीज़ें आएंगी आपके मैरिज के फर्स्ट ईयर में सो so, आपको पहली चीज़ है आपके जो फर्स्ट ईयर में मैरिज में सबसे पहला है बाउंड्रीज़ आपको अपने बाउंड्रीज सेट करने पड़ेंगे किससे कितनी बात करनी इन देंस कि आपके घर में बड़े हैं तो उनकी इज्जत करना उनसे एक लिमिट तक बात करना जो छोटे हैं उनसे भी एक लिमिट तक बात करना आपको अपने बाउंड्रीज को सेट करना पड़ेगा अगर आप अपने बाउंड्रीज को सेट नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इन सेंस कि कोई भी आपका कुछ भी फ़ायदा उठा के या कुछ भी आपको बोल सकता है विच डेफिनेटली आपको अच्छा नहीं लगेगा और अपने ग्राउंड पे खड़े रहना है फर्स्ट ईयर ऑफ द मैरिज में ओके okay? एंड uh, जो नेक्स्ट कार्ड है वो है लिजर्ड तो लिजर्ड ये बताता है कि काफ़ी यू नो ड्रीम टाइम आपका शुरू हो जाएगा विद द लिजर्ट कार्ड जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ काफ़ी ड्रीम टाइम होगा जो जो चीज़ आपने आज तक आ, सोची नहीं थी वो सारी चीज़ें आपको इस मैरिज में मिलेंगी ओके आपकी जो ड्रीम्स हैं वो पूरे हो जाएंगे इस मैरिज के बाद आपका जो विजन है विजन आपका जो इंट्यूशन है वो बह, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर आप एक लाइट वर्कर हैं अगर आप एक यू uh, नो you know, uh, बहुत अच्छे uh, एक रीडर हैं आपकी जो विजन्स हैं वो आपके बढ़ जाएंगे आप काफ़ी ज़्यादा Uh, आपके अंदर यू you नो know, uh, वो स्पिरिचुअलिटी की चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी विद द डिजर्ट कार्ड मैरिज के बाद ओके फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज में एंड विद द डियर कार्ड आप एक यू नो इट इज़ लाइक अ कार्ड ऑफ अ पाथ फाइंडर तो आपको जो रास्ता चाहिए अपने करियर में आपके लाइफ में आपके लव लाइफ में आपका एक गोल होगा वो चीज़ आप यू you नो know, uh, सीख पाओगे इस पर्सन के साथ ये पर्सन आपको अपने इंस्टिंग पे ट्रस्ट करना सिखाएंगे ओके आपको गाइड करेंगे हर सिचुएशन में अगर आपकी लाइफ में बुरे सिचुएशंस आते हैं अगर आपकी लाइफ में ख़राब और अच्छे सिचुएशंस आते हैं वो सारी चीज़ें ये पर्सन आपको सिखाएंगे ये पर्सन आपकी लाइफ में एक पाथ फाइंडर की तरह होंगे ओके केब्रिकॉन इनका सनसाइन हो सकता है क्योंकि पे एक डियर है ओके okay? डॉल्फिन के साथ काफ़ी प्लेफुल आपका रिलेशनशिप होगा मैरिज में दैट इज़ लाइक बहुत ही ज़्यादा रोमांस होगा डॉल्फिन को आपने देखा होगा दे आर वेरी यू नो एक्टिव वो हमेशा एक्टिव रहते हैं ओके okay? वैसा ही पैशनेट रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा होगा फ्लर्टिंग होगा बहुत ज़्यादा प्लेफुल नेचर होगा आप दोनों के बीच में फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज में आप दोनों एक दूसरे के साथ खेलोगे झूला झूलोगे इन्जॉय करोगे आउट ऑफ द कंट्री है तो आप झूला झूल सकते हैं यहाँ पर तो अगर आप झूला झूलोगे तो दस लोग दस बातें बोलते हैं बिकॉज इंडियन पीपल आर लाइक दैट ओके फॉरन में ऐसा कुछ नहीं होता दे आर लाइक वेरी यू नो वहाँ पर आप कुछ भी करो बहुत मज़ा आता है वहाँ पे बहुत इंजॉय करते अगर आप की मैरिज आउट ऑफ द कंट्री होती है तो आप बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करोगे घूमोगे फिरोगे खेलोगे एक दूसरे के साथ ओके okay? बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप होगा यू नो फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज में डव के साथ सेरेनिटी आएगी डव इज़ लाइक पीस आपकी लाइफ में जो पीस या जो भी कार्मिक के साथ आपने पहले डील किया हो वो चीज़ आपको नहीं मिली वो चीज़ इस पर्सन के साथ आपको मिल जाएगी विद द सेरेनिटी कार्ड ओवर हियर आप धीरे धीरे चीज़ें करोगे स्लो डाउन ऐसा नहीं है कि कोई भी काम करे वो फास्ट करे हो धीरे धीरे पॉज लेके ब्रीदर लेके आप वो सारी चीज़ें करोगे इस मैरिज में और आपको यू नो पीस फील होगा यू कैन फील इट फ्रॉम इनसाइड ओके नेक्स्ट इज ड्रैगन फ्लाई ड्रैगन फ्लाई ये uh, डेपिक करता है कि इल्यूजन ओके okay? कुछ इल्यूजन्स में आप रह सकते हो जिस इल्यूजन से आपको निकलना पड़ेगा इल्यूजन इज़ नॉट रियलिटी तो अगर आप कुछ चीज़ें आपको इल्यूजन आप क्रिएट करते हो अपने माइंड में वो चीज़ें एक दूसरे से डिस्कस करोगे आप ओके okay? और रियलिटी में जीने की ज़्यादा कोशिश करोगे ड्रैगन आपको बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं Uh, जब आप बाहर जा रहे हो ऐसा भी हो सकता है ओके okay? आपके मैरिज के बाद एंड रियलिटी में आप जियोगे इल्यूजन्स को हटा दोगे अपनी लाइफ से ओके okay? और जो आ रहा है वैसे उसे एक्सेप्ट करोगे नाउ आपके टारो से अगर हम चले तो है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स क्वीन ऑफ पेंटिकल्स किंग ऑफ स्वॉर्ड्स लिबरा जेमिना एक्वेरिस काफ़ी हैवी है इस रीडिंग पे गाइस ओके विद द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स आई कैन सी ओवर हियर काफ़ी पार्टी करोगे एंजॉय करोगे घूमोगे फिरोगे रिलैक्स करोगे रेस्ट करोगे रेजविनेट करोगे अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हनीमून फेस आपका बहुत अच्छा होगा वन ईयर इज़ लाइक हनीमून फेस फॉर यू ओके थोड़ी सी आपको अपने तबीयत की ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको भी आपके हस्बैंड को भी बोथ ऑफ यू ओके थोड़ा सा आपको अपना हेल्थ के ऊपर की कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है डिप्रेशन तो नहीं हो रहा है वो सारी चीज़ें आप दोनों को एक दूसरे के साथ डिस्कस करना पड़ेगा तो ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं अगर अगर कोई टेंशन आ रहा है बीच में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उन सब चीज़ों को आप रेस्ट करोगे कोई लड़ाई नहीं कोई झगड़ा नहीं सब कुछ एकदम काम पीसफुली चलेगा Uh, कोई लड़ाई झगड़ा या मनमुटाव होता है तो भी आप दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कस करोगे फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज एंड देन यू नीड टू सॉर्ट आउट ऑल दीज थिंग्स ऐसा नहीं होगा कि आप बस लड़ाई कर रहे हो बेवकूफ़ों की तरह चिल्ला रहे हो एक दूसरे पर ओके okay? ऐसा नहीं होगा ऐसे घोड़े गवारों से आपकी शादी नहीं होगी एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ डेफिनेटली आई कैन सी ओवर हीयर कि आपका वन ईयर के अंदर अंदर ही यू विल गेट प्रेगनेंट क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा रैबिट है रेबिड डेपिक्स प्रेगनेंसी रेबिट डेपिक्स लॉर्ड ऑफ सेक्शुअल पैशन एंड ऑल दैट वो पैशन होगा आपके मैरिज में और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करोगे रेड कलर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है तो आपका एक सन हो सकता है डॉडर हो सकता है इस पर्सन के साथ वन ईयर के अंदर अंदर ही आप कंसीव कर लोगे इस पर्सन के साथ एंड विद द किंग ऑफ शॉट्स इस पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख दे के होंगे पास्ट uh, रिलेशनशिप में या पास्ट मैरिज में जो लोग सेकनलाइज देख रहे हैं सो so डेफिनेटली ये पर्सन थोड़े से यू नो यू नो इंटेलेक्चुअल बातें करते होंगे ऐसा नहीं होगा कि uh, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे बहुत ज़्यादा इमोशनल आप सोच रहे हो तो इमोशनल नहीं होंगे बट ये चीज़ ये पर्सन आपको हमेशा सपोर्ट uh, करेंगे दिस पर्सन विल सपोर्ट यू ऑलवेज किंग ऑफ वर्ड्स के साथ बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा आपके बीच में क्योंकि आप दोनों काउंटर पार्ट्स यहाँ पे हो आई नो शी इज़ नॉट क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बट काउंटर पार्ट हो क्योंकि क्वीन भी है किंग भी है ओके okay? सो so, बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग से चलोगे बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में डिस्कशंस करोगे अगर मनी मोनिटरी मैटर्स हैं आपके ऑफिशियल मैटर्स है सब में वो आपको हेल्प करेंगे आपको लेने आएंगे आपको छोड़ने जाएंगे ओके आपके जो फिनंस है उस पर एकदम चेक रखेंगे कि आप ज़्यादा अननेसेसरी वेस्टेज तो नहीं करते मनी का ऑल दीज थिंग्स ये पर्सन हमेशा ध्यान रखेंगे आपका ख्याल रखेंगे काफ़ी रोमांटिक रिलेशनशिप होगा नर्चरिंग होगा क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकुलर्स समबड़ी इज़ वेरी नर्चर्ड वेरी ब्यूटिफुल जो हमेशा आ, दूसरों का ख्याल रखती है आप अपने हस्बैंड का बहुत ज़्यादा ख्याल रखोगे प्यार करोगे उनको इज्जत दोगे उनके ऊपर चिल्लाओगे नहीं ओके okay? ऐसा होगा आपका रिलेशनशिप सो so, आपके फर्स्ट ईयर मैरिज में आप क्या सीखोगे आप सीखोगे कॉन्फिडेंस कैसे कॉन्फिडेंस आता है लाइफ में कैसे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जाता है वो चीज़ आप इस पर्सन से सीखोगे हर बारिश में क्या होता है पीकॉक नाचता है जब बारिश होती है तो पीकॉक को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ओके देन शी स्टार्ट डांसिंग लाइक एनीथिंग ओके सो ऐसा होगा आपका रिलेशनशिप जब भी, भी बारिश होगी आप दोनों बारिश में नहाओगे इन्जॉय करोगे यू नो जब भी कोई प्रॉब्लम्स आएंगी ये पर्सन आपका हाथ थाम के बोलेंगे कि आई विल गिव यू द कॉन्फिडेंस एंड आई विल हेल्प यू इन एवरी थिंग एवरीथिंग विल बी ऑल राइट तो ऐसा ही एक इंसान ऑलवेज यू वॉन्ट आपको कोई चिल्लाने वाला बदतमीजी करने वाला इंसान नहीं चाहिए लाइफ में ओके okay? ऐसा रहेगा आपका मैरिज बहुत ही खूबसूरत होगा इट विल बी वेरी ब्यूटिफुल अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस इशू है आप लोगों के सामने बात नहीं कर पाते हो स्टेज पे बात नहीं कर पाते हो तो वो सारी चीज़ें ये पर्सन ठीक कर सकते हैं क्योंकि ये एक कार्ड कॉन्फिडेंस का कार्ड है एंड यहाँ पे यू नो मोर में जितने भी कलर्स हैं वो सारे कलर्स वो आपकी लाइफ में भर देंगे ओके गाइज सो दिस वॉज योर रीडिंग देखते हैं कि इस पर्सन के पर्सनल मैसेजेस आपके लिए क्या हैं इमोशनल ये इंसान इमोशनल होंगे आप हो सकते हो इनकी हाइट लंबी होगी टॉल कुछ लोगों के लिए ये आंध्र प्रदेश से हो सकते हैं ये काफ़ी सक्सेसफुल होंगे क्योंकि क्वीन ऑफ स्वर्ड्स हैं यहाँ पर तो काफ़ी सक्सेसफुल होंगे बिजनेस ऑनट्रप्रनोर हो सकते हैं टीचर हो सकते प्रोफेसर हो सकते हैं काफ़ी अच्छे उहदे पर हो सकते हैं लीडर हो सकते हैं किसी टाइप के लीडरशिप रोल पर हो सकते हैं ये पर्सन ओके okay गाइस ये सारे इनके अंदर क्वालिटी स्पिरिचुअल होंगे ये काफ़ी ज़्यादा जैसे मैंने बताया था स्पिरिचुअल यूनियन होगा आप दोनों का तो आप दोनों के बीच में आप स्पिरिचुअलिटी भी सीखोगे इनसे किस ऑन योर शोल्डर दिस पर्सन विल किस ऑन योर शोल्डर बिकॉज दिस पर्सन यू नो लव्स यू लाइक एनी थिंग हिंदू आप दोनों हिंदू धर्म से हो सकते हैं मोल दिस पर्सन वुड बी मोली तो इनके फेस पे इनके नाक पे इनके गालों पे इनके आईब्रो के नीचे कहीं पे भी मोल्स हो सकते हैं इनके फेस पे हो सकते हैं हाथों में पैरों पे कहीं पे भी हो सकता है ट्रिपल वन नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेगा आपके मैरिज के बाद या मैरिज से पहले ओके okay? डायमंड रिंग मैरिज के बाद ही आपको डायमंड रिंग से शवर कर देंगे आप खुश हो जाओगे यू विल बी हैप्पी ओके सेड्यूस यू दिस पर्सन विल ऑलवेज सेड्यूस यू ओके गाइज एंड स्मॉल लिप्स आपके स्मॉल लिप्स इस पर्सन के स्मॉल लिप्स हो सकते हैं पार्टी आप दोनों बहुत ज़्यादा पार्टी करोगे मैरिज के बाद फर्स्ट ईयर में बहुत इंजॉय करोगे इस पर्सन के साथ कार्मिक इज़ नॉट लिविंग मी सो इट इज़ पॉसिबल कि किंग ऑफ श्ड्स के साथ इस पर्सन का अभी डिवोर्स के थ्रू ये चल रहे हो इनका लीगल बैटल चल रहा हो वो कार्मिक इनको छोड़ नहीं रहा बिकॉज ऑफ द मनी एंड ऑल द ड्रामा एंड ऑल दैट गोइंग ऑन अगेन मोल तो मोल ही है ये पर्सन इनके फेस पर कहीं ना कहीं बर्थ मार्क होगा uh, जो काफ़ी विजिबल होगा लोगों को दिखता होगा ऑप्टिमिस्टिक ये पर्सन काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं अपने लाइफ के बारे में वो लव लाइफ में आपके दिखेगा आपको मैरिज के बाद डांस आप दोनों काफ़ी डांस करोगे मैरिज के बाद ओके गाइस आई एम हीलिंग इस पर्सन हीलिंग कर रहे हैं हो सकता है ये लीगल बैटल से निकल रहे हैं uh, जो सेकेंड लाइज देख रहे हैं जो लोग नहीं हैं वो ये मैसेजेस ना लें ओके okay? जो सिंगल्स हैं उनके लिए नहीं है वो मैसेजेस आई आई मीन लव विद यू सो दिस पर्सन लव्स यू ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे मैरिज के बाद मुस्तैज इनकी मुस्तैज हो सकती है बियर्ड हो सकती है हल्की फुल्की Uh, इनको रखने का शौक हो दैट्स पॉसिबल एब्यूजिव रिलेशनशिप ये कार्मिक के साथ एक एब्यूजिव रिलेशनशिप में हो सकते हैं लात घूसे मुख के चाटे uh, कुछ भी हो सकता है थप्पड़बाजी और दिस नॉनसेंस uh, क्रैप में फंसे हो सकते हैं सो उसमें से इस पर्सन को निकलना पड़ेगा ओके okay. ड्रीम uh, ये पर्सन एक ड्रीम है इनको ड्रीम करना अच्छा लगता है ड्रीम करके बिग लाइफ uh, स्टाइल जीने का शौक हो सकता है पायल इस पर्सन को आप पायल पहनते तो, तो बहुत अच्छा लगेगा ओके मैरिज के बाद टिकल इनको गुदगुदी करेंगे आपको ठीक है uh, इनको अच्छा लगता होगा आपको गुदगुदी करना आपके पैरों पे ओके डिवाइन फेमिनिन आप डिवाइन फेमिनिन ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन क्योंकि आप दोनों काउंटर पार्ट्स यहाँ पे हो ओके गाइस सो दिस वाज योर रीडिंग आई होप यू लाइक इट इफ यू लाइक इट प्लीज सेट्स अपम्स ऑन माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू नीड अ पर्सनल रीडिंग डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू ई मेल व्हाट्सअप एवरी इज मैं इन द बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स थैंक यू सो सोच लेट सेट्सअप टू पाइल नंबर टू हाई वेलकम मैक पैल नंबर टू जिन्होंने भी ये स्वैन चूज़ किया था इस पर्सन का ऑलरेडी एक किड हो सकता है जो लोग सेकेंडलाइज देख रहे हैं या फिर इस पर्सन के साथ आपका प्रेगनेंसी बहुत जल्दी आ जाएगा स्वैन इज़ लाइक फैमिली फैमिली आपने कभी नैनीताल गए हो तो वहाँ पे बहुत स्वैंस घूमते हैं तो उन स्वैन झुंड में घूमते हैं वो कभी अलग अलग नहीं घूम रहे होता ऐसे बेवकूफ़ों की तरह इधर उधर जैसे कुछ जानवर घूमते वैसे नहीं होते वो हमेशा साथ में घूमते हैं देव अ बॉन्ड तो ऐसा ही आप दोनों का रिलेशनशिप होगा आपकी फैमिली के साथ इस पर्सन का अटैचमेंट इनका दिल का जो रिश्ता है आ, सोल ट्राइब सोल फैमिली से हो सकते हो तो वैसा रिलेशनशिप होगा आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगा जैसे स्वान होते हैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं ओके गाइस अब देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं तो ये हैं आपके कार्ड्स रकून ब्लैक पैंथम बफलो बटरफ्लाई कॉगर एंड कोयोटे समथिंग लाइक दैट ओके सो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ये सारे आपके स्पिरिट एनिमल्स हो सकते हैं जो आपको मैरिज के बाद या मैरिज से पहले दिख सकते हैं ब्लैक uh, पैंथर जैसे बफेलो, बटरफ्लाई uh, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको दिखती होंगी अभी दिखती होंगी कुछ लोगों के लिए रकून भी दिख सकता है ये सारे एनिमल्स दिख सकते हैं आपको अब जो आपको फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज में आप फर्स्ट कार्ड के साथ रखू उनके साथ रिसोर्सफुलनेस बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली में आपकी मैरिज होगी सो काफ़ी रिसोर्सफुल होंगे इनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा काफ़ी मॉनिटरी वाइज काफ़ी अच्छे होंगे ओके okay? uh, जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए इन द सेंस कि घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है हर चीज़ आपको अवेलेबलिटी इनके साथ रहेगी सब चीज़ें होंगी इनके घर में ऐसा नहीं होगा कि आप पानी पी के रात को सो रहे हो क्योंकि आप जैसे कुछ लोगों की मैरिज हो जाती है दारूबा से उसके बाद क्या होता है वो दारूबाज़ पैसे तो घर में देता नहीं है तो उनके घर में रिसोर्स कहाँ से आएगा सो so डेफिनेटली ऐसे घट मतलब गंदे लोगों से आपकी शादी नहीं होगी आपकी शादी होगी एक समझदार इंसान के साथ जिसको अपने फिनांसिस को कंट्रोल करना आता होगा जिनको पता होगा कि फिनंसिस को कहाँ इन्वेस्ट करना है कैसे रहना है ओके okay? सो so, काफ़ी रिसोर्सफुल होंगे नॉलेजेबल होंगे टीचर की फैमिली प्रोफेसर की फैमिली से हो सकते हैं लॉयर्स की फैमिली से डॉक्टर्स की फैमिली से हो सकते हैं ये पर्सन दैट इज पॉसिबल ब्लैक पैंथर के साथ पैशन ओके okay? Uh, काफ़ी ज़्यादा पैशन रहेगा आप दोनों के बीच में ब्लैक पैंथर इस लाइक जैसे मुझे कभी कभी विजन में आते हैं वो यहाँ आते हैं मेरे साथ बैठते हैं बातें करते हैं ओके okay? uh, उनके सर पे हाथ रखने के लिए बोलते हैं वो प्यार करने के लिए बोलते हैं उनकी आँखें बहुत खूबसूरत होती है रात को अगर ब्लैक पैंथर को देखोगे तो सिर्फ उनकी आँखें दिखती हैं और कुछ नहीं दिखेगा इतने जेट ब्लैक होते हैं वो ओके okay? सो so, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रिलेशनशिप होगा आप दोनों के बीच में आ, दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा एट्रैक्शन होगा बहुत ज़्यादा रोमांस होगा प्यार होगा आप दोनों के बीच में विद द बफल कार्ड एबंडेंस आप दोनों साथ में कुछ काम कर सकते हो बहुत ज़्यादा एबंडेंस अपने लाइफ में ला सकते हो या फिर ये पर्सन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एबंडेंट होंगे कि, कि किसी चीज़ की आपको कमी यहाँ पे महसूस नहीं होगी फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज में बहुत ज़्यादा एबंडेंट फील करोगे खुश फील करोगे ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो भी यू कैन फील दैट हैप्पीनेस इनसाइड यू दैट दिस पर्सन इज़ अ प्रोवाइडर फॉर यू ये आपके घर के प्रोवाइडर हो सकते हैं आपको प्रोवाइड करते हों बटरफ्लाई के साथ यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप ट्रांसफॉर्म करोगे अगर आपके पास पैगेजेस है इस पर्सन के पास पैगेजेस हैं उन सब चीज़ों से आप दोनों ही निकलने की कोशिश करोगे ओके okay? एंड uh, आपका लाइफ का बिग बिग ब्रेक थ्रू भी ये पर्सन आपकी लाइफ में लाएंगे इन द सेंस कि अगर आपको कोई ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम्स uh, चल रही हैं वो चेंज कर सकते हो आप अपना करियर चेंज कर सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजर सकते हो हीलिंग के थ्रू गुजर सकते हो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल विद द बटरफ्लाई कार्ड यू विल चेंज बटरफ्लाई को देखा आपने वो बहुत ही छोटा होता है कैटाबिलर के साथ उसके बाद वो बड़ा होते होते इतना ही खूबसूरत बन जाता है वो चीजें आपके रिलेशनशिप में होंगी फर्स्ट ईयर में मैरिज में आप धीरे धीरे चेंजेस होगी आपके लाइफ में बहुत ही अच्छा रिश्ता होगा ये आपके लिए आपके लाइफ में जो कॉगर के साथ आ, कॉन्फिडेंस आएगा बहुत ज़्यादा बोल्डनेस ये पर्सन आपकी तरफ लाएंगे जो आप डरते हो आपको कुछ फियर्स हो सकते हैं कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं आपके बाउंड्रीज हो सकते हैं उससे आपको निकालने में ये पर्सन आपको हेल्प करेंगे इस पर्सन विल टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ और आपको एक बोल्ड इंसान बनाने में चेंज चेंजेस आपकी लाइफ में लाएंगे ओके नेक्स्ट इज़ कोयोटे सो उसमें आप ये पर्सन आपको एक वाइस इंसान बनाने की कोशिश करेंगे ओके वाइस फूल है वैसे ओके जो भी आपकी फूलिशनेस है जो भी आप फूलिश हरकतें करते हो जो भी आप करते हो उसको आपको एक्सेप्ट करना सिखाएंगे एंड जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं इन द सेंस कि कोई भी दिक्कत है आप गलती करते थे ओके okay? उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना सिखाएंगे ये आपको टीच करेंगे कैसे लाइफ को जीना है एक अलग तरीके से एक एक पॉजिटिव वे से कैसे लाइफ को जीना है बिना लड़ाई झगड़े के विद अ वेरी गुड यू नो सोच एक एक प्योर सोच के साथ कैसे आगे बढ़ना है वो ये पसंद आपको सिखा सकते हैं ओके गाइस आपके जो टैरो के साथ अगर चले द मजिशन एस ऑफ पैनिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ट्स ओके एरिस्ट टॉरस वर्गो केप्रिकॉन मजिशियन के साथ कोई भी सनसाइन हो सकता है इस पर्सन का सो so, इस पर्सन के साथ मजिशियन के साथ ये पर्सन एक हीलर हो सकते हैं आप एक हीलर हो सकते हो अर्दी uh, मैटर से और स्पिरिचुअलिटी से काफ़ी इनका लेना देना होगा बहुत ही अच्छे एक मजिशियन uh, होंगे मैजिक्स आता होगा इनको बहुत ज़्यादा सोलमेट कनेक्शन में हो क्योंकि मजिशियन के सर पे एक इन्फिनीटी सिंबल है ना ख़त्म होने वाला रिश्ता ये अगले जन्म में भी आप किसी पर्सन से मैरिज होगी गईस कुछ भी प्रॉब्लम्स हो कोई भी दिक्कतें आएँ इनसे ही आपकी मैरिज होगी आप एक मजिशियन हो सकते हो आपको मैजिक्स आप एक विच हो सकते हो आप एक रीडर uh, हो सकते हो रीडिंग्स uh, करते हो आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी होगी आपको बहुत सारे साइंस यूनिवर्सिटी सब दिखते होंगे अभी राइट नाउ सो मैनिफेस्ट बहुत अच्छा करते होंगे जो भी मतलब मेडिटेट करके मैनिफेस्ट करते हैं वो इनकी लाइफ में आ जाता होगा तो इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया होगा आपका लव मैरिज भी हो सकता है इज़ पॉसिबल फॉर सम ऑफ यू ओके विद द एज ऑफ पेनिकल यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपका बेबी मैरिज से पहले आ सकता है क्योंकि यहाँ पे एज ऑफ पेनिकल पहले आ गया और किंग ऑफ वनस बाद में आया है ओके सो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए ऐसा कुछ है तो बट आपका मैरिज में uh, बहुत जल्दी uh, जैसे ही आपका मैरिज होगा यू विल कंसीव विद एस ऑफ पेंडिकल एस ऑफ पेंडिकल्स इज़ लाइक बर्थ एक न्यू अपॉर्चुनिटी या वर्क के थ्रू आप मिल सकते हो इस पर्सन से समथिंग लाइक दैट बट आपकी मैरिज होगी फिर देन प्रेगनेंसी बहुत जल्दी आ जाएगा आपका एंड किंग ऑफ वॉन्ट्स के साथ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये पर्सन काफ़ी फायरी होंगे काफ़ी हैंडसम होंगे चार्मिंग होंगे इन इनपे इन्होंने बहुत सारी लड़कियों के दिल तोड़े होंगे फिर आपसे मैरिज करेंगे ओके okay? लोगों को अच्छा नहीं लगेगा दैट यू आर गेटिंग मैरिड बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी चार्मिंग वेरी स्मार्ट वेरी यू नो ऑनट्रप्रनो हो सकते हैं आउट ऑफ द कंट्री ओके गाइस विद द एस ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि इस पर्सन का ऑलरेडी एक किड हो पहले मैरिज से जो लोग सेकेंड अलाइंस देख रहे हैं तो उस उस बेबी को भी आपको बहुत ख्याल रखना पड़ सकता है बहुत प्यार देना पड़ सकता है अगर आप एक यू नो सेकेंड uh, लाइन्स देख रहे हो आप सिंगल हो और आपका ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है तो इस पर्सन का ऑलरेडी एक किड होगा स्कूल गोइंग किड होगा और uh, उसको आपको ख्याल रखना पड़ सकता है तो आप अगर इसके लिए रेडी हैं तो वेल एंड गुड अदरवाइज यू कैन लुक फॉर समथिंग एल्स ओके सिंगल भी हैं होते हैं थोड़े एज में भी ज़्यादा हों तो भी सिंगल भी मिल जाते हैं कोई बड़ी बात नहीं है सो so, इस मैरिज से आप क्या सीखोगे फर्स्ट ईयर में बी माइंडफुल विद योर मनी हनी ओके हनी बेबी सो आपको अपने मनी पे कैसे कंट्रोल करना है वो चीज़ें ये पर्सन आपको सिखा सकते हैं इन देंस कि आप बहुत ज़्यादा खर्चीले हो आपको कार्ड्स खरीदना है आपको ये करना है वो करना है कपड़े खरीदने हैं यू आर यू you नो know, बहुत ज़्यादा इंडल्ज होते हो मटेरियलिस्टिक थ्री में तो ये पर्सन उससे आपको बचा सकते हैं उससे आपको सिखा सकते हैं कि आपको अपने मनी को कैसे कंट्रोल करना है हनी ओके सो so, आपको अपने पैसों पे बहुत ध्यान रखना चाहिए ज़्यादा फालतू ख़र्चा ना करें मैरिज के बाद ध्यान रखें अगर आपका बेबी हो जाता है तो उसके फ्यूचर के बारे में सोचें अगर आपका ऑलरेडी एक बेबी है आप एक सिंगल मॉम हैं सिंगल फादर हैं तो उस पैसों को बचा कर रखिए उस बच्चे के लिए उसके फ्यूचर के लिए ओके सो so, ये कार्ड यही बोलता है अब देख लेते हैं आपके पर्सनल मैसेजेस क्या हैं इस पर्सन की तरफ से जो आपके फ्यूचर हाउस होंगे वो क्या कहना चाहते हैं आपसे डेस्टाइन कनेक्शन आप दोनों का डेस्टिनी कनेक्शन है सोलमेट कनेक्शन हो सकता है मजिशन के साथ इन्फिनीटी सिंबल था तो आपके डेस्टिनी में इस पर्सन को लिख दिया गया है इसको आप कोई नहीं हटा सकता जो रास्ते में आएगा उसको हटा दिया जाएगा सेल्स में हो सकते हैं इनका बोलने का काम हो सकता है कॉलिंग में हो सकते हैं सेल करते हो किसी चीज़ का इनका खुद का बिजनेस हो परफ्यूम्स का हो सकता है किसी uh, चीज़ का बिजनेस हो सकता है फूड से रिलेटेड हो सकता है केक से रिलेटेड हो सकता है आउट द कंट्री हो सकता है हाथों से कुछ काम कर दैट इज ऑलसो पॉसिबल एवरेज स्टिक ओ माई गुडनेस इनके पास एवरेज स्टिक हैगा इस अगर आपको बिग स्टिक चाहिए तो किसी और को ढूंढ सकते हो आप ओके आई ऑलवेज लव यू एंड विल ये शायद ये पसंद आपको जानते हैं शायद ये आपको बहुत प्यार करते हैं एंड हमेशा करते रहेंगे ऐसा ही बोल रहे हैं दिल क्या करे ये आपका गाना है ये गाना सुनिए इस गाने में आपके लिए कोई मैसेज होगा इनकी तरफ से वेन यू विल टच मी आई विल हील जब आप इनको छुएंगे पहली बार आपके मैरिज के बाद फर्स्ट ईयर में तो ये हील होने लगेंगे ये पर्सन के पास बैगेज हो सकते हैं उसको हील करोगे रोज ड्रेस पर्सन आपको रोज़ कलर के ड्रेस में देखना चाहेंगे मैरिज के बाद एम्पैथ आप एक एम्पैथ ये पर्सन एक एम्पैथ हो सकते हैं आ, हीलर हो सकते हो आप आई वॉन्ट टू सी द वर्ल्ड विद यू ये पर्सन आपको पूरी दुनिया घुमाना चाहेंगे आ, घुमाने ले जाएंगे दैट इज ऑल्सो पॉसिबल मैसेज ये पर्सन से आपकी मैसेज के थ्रू ही बात होगी सबसे पहले उसके बाद ही आपकी मैरिज तक पहुंचेगी या फिर मैरिज के बाद वन ईयर में आपके बीच में बहुत ज़्यादा मैसेजेस होंगे और आप बहुत एंजॉय करोगे पेशेंट पेशेंट काफी पेशेंट इंसान होंगे ये आप इनके साथ काफी एन्जॉय करोगे पर्सन के साथ पेशेंट होना भी सीखोगे पायलट ये पर्सन एक पायलट हो सकते हैं फ्लाइट स्टीवर्ड हो सकते हैं आप हो सकते हो दैट्स पॉसिबल प्लेफुल आप काफ़ी प्लेफुल हो ये पर्सन काफ़ी प्लेफुल होंगे मैरिज के बाद बहुत एंजॉय करोगे रोमांटिक डेट्स पर जाओगे लिसनिंग टू यू ये हमेशा आपकी बात सुनेंगे जो भी आप कह रहे हो वो उसको इग्नोर नहीं करेंगे सुनेंगे मॉडल ये एक मॉडल हो सकते हैं आप एक मॉडल हो सकते हो यूट्यूब इंस्टाग्राम कहीं पर भी हो सकते हो जब तक ये गाना आप सुनिए इस गाने में आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट मैसेज होगा इस पर्सन की तरफ से आई लव योर हैंड आपके जो हाथ हैं वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद होंगे जिम जिम जाने का इनको शौक़ होगा आपको हो सकता है इस पर्सन को हो सकता है आई लव योर बैक दिस पर्सन जस्ट लव योर बैक आपका बैक बहुत खूबसूरत हो सकता है आप बैकलेस uh, सूट्स पहनते हो मैस्कुलिन बॉडी uh, इनकी मैस्कुलिन बॉडी हो सकती है आपकी फेमिनिन बॉडी हो सकती है आई एम हॉन्टेड बाई यू आपकी याद इस पर्सन को हमेशा दिलाती है याद दिलाती है कोई कोई बात है आपकी 24 फोर इंटू सेवन ये पर्सन के दिमाग में आप रहते हो लवबल इस पर्सन को आप जानते लवबल होंगे काफ़ी लवेबल होंगे मैरिज के बाद आपके साथ फॉरन लैंड मैरिज आपकी शादी बाहर इस, होगी कई इसकी यहाँ नहीं होगी आउट ऑफ द कंट्री आपकी मैरिज हो सकती है वाइट वेडिंग हो सकती है आपकी अगर आपका सपना है जैसे मेरा सपना है वाइट वेडिंग करने का तो आपका भी हो सकता है ऐसा ओके आई लव टू बी प्लेफुल विद यू दिस पर्सन विल बी वेरी वेरी प्लेफुल विद यू अवेकनिंग आप दोनों की होगी उसके बाद आपकी मैरिज होगी इस पर्सन के साथ या मैरिज होने के बाद भी आपकी अवेकनिंग हो सकती है सेल्फ लव आप दोनों अपनी सेल्फ लव करोगे मैरिज में और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे खैरियत पूछो ये वाला गाना भी आपके लिए कुछ हो सकता है सुशांत का तो तब सुनिए दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग आई वॉन्ट फ्रीडम टू बी विद यू तो इस पर्सन को किसी से फ्री होना पड़ेगा तभी जाके ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं कुकिंग ब्लॉगर आप कुकिंग ब्लॉगर ये पर्सन हो सकते हैं आपको पसंद हो ये सब एडिक्शन इस पर्सन को कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं उससे इनको निकलना पड़ेगा ड्रिंकिंग स्मोकिंग शॉपिंग एनीथिंग लाइक दैट दिस पर्सन हैव टू लीव दैट यू आर माई बेबी गर्ल बब बेबी गर्ली उनका मैसेज है आपके लिए इंटीग्रिटी आप दोनों के बीच में काफ़ी इंटीग्रिटी होगा या इस इस पर्सन के अंदर इंटीग्रिटी होगा यूनिक आप बहुत ही डिफरेंट हो यूनिक हो ये ब्लैंक मैसेज है इसमें आप कुछ भी ले सकते हो गए ओके गोवा से हो सकते हैं ये पर्सन आप हो सकते हो जम्मू से आप हो सकते हो ये पर्सन हो सकते हैं सेंसिटिव आप हो सकते हो ये इंसान हो सकते हैं एरोगेंस इनके अंदर होगा ये किंग ऑफ वांट्स है तो इनके अंदर हो सकता है वो सब इनको चेंज करना पड़ेगा आई हैव मेड ह्यूज मिस्टेक्स इन द पास इस परसन ने गलत लोगों को चूज किया है इस पर्सन को आपको चूज करके वो सारी चीजें ठीक करनी पड़ेंगी ओके सो दिस वॉ योर रीडिंग आई होप यू लाइक इट फिल की प्लीज ऐसा बताऊँ माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू नीड अ पर्सन रीडिंगली कैन कॉन्टैक्ट मी थू ई ई मेल व्हाट्सएप एवरी थिंग इज मैशन इन दिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स थैंक यू सो मच लेट्स टू वायल नंबर थ्री हेल्ल वेलकम बैक वाइल नंबर थ्री जिन्होंने भी ये बेबी चूज किया था इस पर्सन सेकेंड अलाइन देख रहे होंगे इनका ऑलरेडी एक छोटा सा बेबी हो सकता है या फिर इस पर्सन के साथ आपका एक सन होगा बहुत जल्दी देख सकते हो आप ये बेबी बॉय है सो so, इस पर्सन के साथ आपका एक सन होगा आप देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं गाइस सो so, आपके कार्ड्स हैं कोयला टर्टल ईगल एलिफेंट फॉक्स सील ओके okay? ये सारे आपके स्पिरिट एनिमल्स हो सकते हैं तो आप इनसे बात कर सकते हो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगी मैरिज से पहले सील बहुत ज़्यादा दिख सकता है दैट जस्ट अ चैनल मैसेज ओके टर्टल uh, आपको दिख सकता है ईगल दिख सकता है एलिफेंट दिख सकता है फॉक्स दिख सकता है uh, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दिख सकती हैं मैरिज से पहले आपके विजन में फोडी डी में दिख सकता है कोयला के साथ फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज में एम्पैथ आप दोनों एमपैथ हो सकते हो काफ़ी एम्पति क्या होती है वो चीज़ आप सीख सकते हो स्पीकलेस uh, बहुत कम बात करना और लिसन मोर बहुत ज़्यादा सुनना सामने वाले को वो चीज़ें आप इस मैरिज में सीख सकते हो विद इन अ वन ईयर ऑफ मैरिज सो कम बोलना अननेसेसरी डिस्कशंस करना अननेसेसरी बातें करना वो सब आपको पसंद नहीं होगा जैसे मैं बहुत कम बात करती हूँ वैसे ही आपको भी कम बात करना अच्छा लगता होगा और लिसन करना सामने वाला क्या बोल रहा है उसको अंडरस्टैंड करना और एक एम्पैथ हो सकते हो एम्पति आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इस मैरिज के बाद रिट्रीट आप दोनों की मैरिज आउट ऑफ द कंट्री हो सकती है मुझे ऐसा लगता है क्योंकि टर्टल इज़ लाइक समबड़ी जो रिट्रीट करता है टर्टल यहाँ से वहाँ घूमता है हर एक आ, सी बीच में जाता है फिर वहाँ से वो यू you नो know, जाके फिर दूसरे सी बीच में जाता है तो उसका हमेशा रिट्रीट चल रहा होता है तो आपका आउट ऑफ द कंट्री हो सकता है भाग के शादी हो सकती है आपकी आ, कोई भी आपको सपोर्ट ना करे दैट इज ऑल्सो पॉसिबल एंड रिट्रीट का ये भी मीनिंग होता है स्टॉप ट्राइंग टू मेक समथिंग हैपन जो चीज़ हैपन नहीं हो रही है जो अगर आप कार्मिक के साथ फंसे हुए हो उसको चलाने की कोशिश ना करें वो नहीं चलेगा यू हैव टू रिट्रीट फ्रॉम somebody टू बी विद दिस पर्सन और दिस पर्सन हैज टू रिट्रीट फ्रॉम somebody टू बी विद यू ऐसा भी इस मैसेज का मतलब है किसी और को इस पर्सन को छोड़ना पड़ेगा तब जाके ही आप दोनों का यूनियन हो सकता है दैट्स पॉसिबल ओके रिट्रीट इन द सेंस कि आप अपने फैमिली मेम्बर से काफी दूर जाकर सेटल हो गए घूमना फिरना हनीमून फेस और बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना वो सारी चीजें आपके लिए हो सकती हैं विद द ईगल स्पिरिट आई कैन सी ओवर कि इस पर्सन के साथ अपने हायर सेल्फ को पहचानने में आपको बहुत मदद मिलेगी मतलब दूरदर्शी होते हैं जो ईगल होते हैं वो इतने ऊपर होते हैं बट उनकी नज़र इतनी तेज़ होती है कि वो अपने प्रे को पकड़ लेता है ओके सो so, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ईगल इज़ लाइक सम इज़ वेरी शार्प सो शार्प होना ये पर्सन आपको सिखाएंगे मैरिज के बाद वन ईयर के अंदर अंदर एंड आपको ट्रस्ट करना सिखाएंगे भगवान जी के ऊपर कि इस बाज को इतनी ऊंचाई पे उड़ने से कोई नहीं रोक सकता राइट उसको ऐसा ही बनाया गया है वो चीज़ें इस पर्सन के साथ सीख सकते हो आप अपने हायर सेल्फ भगवान जी के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश कर सकते हो प्लैनेट्स के बारे में स्पिरिचुअलिटी के बारे में ऊंचा उड़ना वो सारी चीज़ें आप इस पर्सन के साथ सीख सकते हो एलिफेंट के साथ बहुत सारी चीज़ें आप रिजॉल्व करना सीख सकते हो सपोज आपके घर में कुछ चीज़ ख़राब हो गई और आप परेशान हो रहे हो पागल हो गया आपका दिमाग ख़राब हो गया और आपने ब्लेम कर दिया उन लोगों को जिन्होंने आपकी लाइफ ख़राब करी है वो चीज़ों से निकालने में ये पर्सन आपको हेल्प कर सकते हैं लाइक वाइज आपको रिजॉल्व करना सिखा सकते हैं कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो एलिफेंट आर लाइक वेरी इंटेलिजेंट बहुत समझदार होते हैं वो उनको टेम करना भी बहुत ईजी होता है ओके okay? सो uh, so, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना ये पर्सन सिखा सकते हैं यू विल ओवरकम ऑल द ऑबस्टिकल्स एंड यू नो प्रॉब्लम्स इस पर्सन के साथ ये आपके घर में प्रोटेक्टिव आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव होंगे क्योंकि एलिफेंट हमेशा झुंड में चलते हैं वो अलग अलग नहीं चलते हैं इधर उधर फॉक्स की तरह इसको पकड़ ले उसको पकड़ ले ऐसे नहीं होता उनकी एक फ़ैमिली होती है उनके बच्चे होते हैं उनका ख्याल रखते हैं वो ऐसे होते हैं वो हमेशा साथ चलते हैं वो अलग अलग नहीं चल रहे होते इधर उधर इधर उधर इस पर्सन के साथ बहुत सारी चीज़ें यू विल लर्न हाउ टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स हाउ टू कम आउट ऑफ ऑब्स्टिकल कोई भी दिक्कतें आ रही हैं उन सब चीज़ों से निकलना ईजी तरीके से वो सब सीख सकते हो आप इस पर्सन के साथ अडेप्टेबिलिटी फॉक्स के साथ कैसे अडेप्ट होते हैं फॉक्स को देखा है वो ठंड में भी रहते हैं गर्मी में भी रहते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती बहुत तेज़ होते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं बहुत चलाक होते हैं उनको अपना प्रे ढूंढना आता होता है तो वैसे ही आपको भी स्मार्ट बनना है अडेप्ट होना है वो सारी चीज़ें ये आपको सिखाएंगे लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आएंगी उसके बारे में भी आपको सिखाएंगे हर एक जगह पे अडेप्ट होना इन द सेंस कि आप इंडिया में रहते हो आपको uh, जाना है अमेरिका अमेरिका के कुछ पार्ट में बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती है अब आप अडेप्ट हो सकते आपको ठंड बर्दाश्त नहीं है बट आपको अडेप्ट करना वो सिखाएंगे दिस पर्सन विल हेल्प यू टू लर्न दैट ओके विद द सील कार्ड आई कैन सी ओवर हियर दैट इमेजिनेशन इमेजिनेशन का मतलब आपको ड्रीम बिग करना सिखाएंगे यू you नो know? uh, बड़ा सोच सिखाएंगे इमेजिन करना सिखाएंगे कि इमर्स योर सेल्फ इन आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन सील क्या होते हैं uh, आपने देखा होगा वो ऐसे पड़े रहते हैं ओके okay? बट <laughs> उसको ये नहीं पता कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है बहुत आर्टिस्टिक है वो सो आपको भी अपने आर्टिस्ट को अपने क्रिएटिव चीज़ों को लोगों को बताने की इन्फ्लुएंस करने की ज़रूरत है वो काफ़ी चीज़ें आप बता सकते हो इन्फ्लुएंस कर सकते हो हेल्प कर सकते हो ड्राइंग कर सकते हो कुछ भी कर सकते हो जो भी कर सकते हो वो सब चीज़ें इस पर्सन के साथ आप सीखोगे आपके अंदर बहुत ज़्यादा कला चीज़ें आ जाएंगी डांस हो गया सिंगिंग हो गया गिटार बजाना हो गया एवरीथिंग अब आपकी जो टैरों से अगर हम चलें तो किंग ऑफ कप्स हैं यहाँ पे पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो एम्प्रेस केप्रिकॉन टेम्परेंस सैजिटेरिस हैवी सैजिटेरिस हो सकता है इनका क्योंकि ये हमारा मेजर मेजरकाना है ओके सो किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे एम्प्रेस है तो आप में एक साल का दो साल का डिफरेंस हो सकता है या बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं हो सकता ऐसा भी हो सकता है ओके okay? uh, या बड़े हो सकते हैं आप एम्प्रेस हो यहाँ पे तो किंग से बड़ी होती है एम्प्रेस एम्पर के तुलना में होती है एम्प्रेस सो so, ऐसा होता है तो किंग ऑफ कप्स के साथ इस पर्सन थोड़े से इमोशनल कम होंगे इनको अपना इमोशंस बैलेंस करना आता होगा वो सारी चीजें ये फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज में आपको सिखाएंगे कैसे अपने हेवी इमोशंस को दबाना है उसको कैसे काम करना है उसके ऊपर कैसे वर्क करना है वो सारी चीज़ें ये पर्सन सिखाएंगे काफ़ी अच्छे अहदे पर हो सकते हैं लीडर हो सकते हैं एक लीडरशिप पोजिशन में एक बहुत अच्छे पोजिशन में काम करते हो ऑन्टप्रिनर हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए इनका खुद का फैमिली बिजनेस हो समथिंग लाइक दैट या एक केक आर्टिस्ट हो सकते हैं अपने हाथों से कुछ काम करते हो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल ये स्पोर्ट्स में भी हो सकते हैं इनके हाथों में एक ट्रॉफ़ी है तो इनको काफ़ी चीज़ों के बारे में नॉलेज होगा स्पीकर हो सकते हैं इनको ट्रॉफ़ी बहुत ज़्यादा मिली होगी बचपन में स्कूल में या अभी भी मिलती होंगी, like ऐसा कुछ बोलने का काम हो इनका तो जर्नी में जब फूल पहली बार एम्प्रेस से मिलता है तो फूल अचंबा हो जाता है एक लेडी जो बहुत ही खूबसूरत है वो अपने थ्रोन पे बैठी हुई हैं उनके पास एक बहुत खूबसूरत चेयर है बहुत ही प्यारी हैं बहुत ही नर्चरिंग है तो फूल उनके पास जाके बैठता है तो जो लेडी होती है वो उनको बहुत नर्चर करती है वो उनको बहुत सारे खाने पीने की चीज़ देती है फूल को और उनको मिल्क देती हैं उनको खाने की चीज़ें देती है बहुत उनका ख्याल रखती है फूल का फूल उससे ये लर्न करता है कि जो एम्प्रेस होती है वो बहुत ज़्यादा नर्चरिंग और बहुत मदरली हैं वो बहुत ख्याल रखती हैं तो वो ये सीखता है फूल की एक मदरली एफेक्शन इस पर्सन के अंदर है वो चीज़ इस पर्सन को किंग ऑफ कप्स को आपके अंदर दिख सकती है अपनी जर्नी में आई डोंट से कि ये फूल की जर्नी पे होंगे क्योंकि किंग ऑफ कप्स से समबडी हु हैज सीन everything, ओके okay? किंग है फूल नहीं है ओके okay? बट आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया कि फूल को ऐसा फील होता था तो ऐसा ही इस पर्सन को आपके लिए बहुत फील होगा आपको डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस दिलाना आपका ख्याल रखना आपको प्यार करना रोमांस करना Uh, आपका ध्यान रखना आपको इम्पोर्टेंस देना वो सारी चीज़ें इस पर्सन को पता होंगी वो सब ये आपके लिए करेंगे विद द टेम्परेंस कार्ड आई कैन सी ओवर वही आपका जो रिलेशनशिप होगा काफ़ी बैलेंस्ड होगा इक्वल गिवेंटेक होगा स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप दोनों की साथ में होगी Uh, काफ़ी अच्छा रिश्ता होगा ये आपके लिए बहुत ही खूबसूरत वाइट कलर पिंक कलर ब्लू कलर इनका फेवरेट हो सकता है इस मैरिज से आप क्या सीखोगे फाइंड योर ट्राइब ओके आपका सोल ट्राइब आपको मिल जाएगा पॉइंट नंबर थ्री जो मेरा सपना है ओके okay, अपने सोल ट्राइब को ढूंढना वो चीज़ आपको इस पर्सन से मिल जाएगी इस इंसान से मिलेगी इनके फैमिली से मिलेगी इनके फैमिली में बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करेंगे हर चीज़ में आप एक सिंगल मॉम हो सकते हो एम्प्रेस के साथ या ये एक सिंगल फादर हो सकते है, जो सेकेंड लाइन्स देख रहे हैं आप लोग सब मिलजुल के रहोगे एक बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी होगी बहुत ही इन्जॉय करोगे टाइम स्पेंड करोगे एक टाइम आपका इस पर्सन के साथ शुरू हो जाएगा जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ अब देख लेते हैं आपके पर्सनल मैसेजेस क्या हैं अगर हम पर्सनल ऐसी चीज़ की तरफ चले तो डिवाइन मैस्कुलिन ये आपके डिवाइन मास्कुलिन आप इनके डिवाइन फेमिनिन गईज स्पिरिचुअल जर्नी आप दोनों की स्पिरिचुअल जर्नी है आप एक एम्पैथ ये एक एम्पैथ हो सकते हो आई विल कीप यू फॉर एवर इन माई हार्ट ये पर्सन हमेशा आपको अपने दिल में छुपा के रखेंगे कुछ भी हो जाए ओके okay?

कॉन्ट्रैक्ट है फूडी okay, ये ओके इंडिगो चिल्ड्रन आप इंडिगो चिल्ड्रन ये पर्सन आप दोनों में से कोई भी एक हो सकता है फ्रेंड्स गैदरिंग सो आप दोनों काफ़ी ज़्यादा घूमोगे फिरोगे दोस्तों से मिलोगे इनके फ्रेंड्स आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे समथिंग लाइक दैट आई डोंट वांट एनीवन सेक्सुअली इस पर्सन को कुछ इशू हो सकता है इन सेंस कि ये पास्ट बैगेज़ की वजह से इनको बहुत डर लगता है सेक्शुअली आने में किसी के साथ तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ सकती है मुस्लिम आप हो सकते हो ये पर्सन डिफरेंट कास्ट डिफरेंट बैकग्राउंड से आप दोनों हो सकते हो रिच काफ़ी रिच हो सकते हैं ये काफ़ी अच्छे फैमिली से हो सकते हैं ऑन्टरप्रनोर uh, जैसे मैंने बताया था ये पर्सन एक ऑंटरप्रिनोर हो सकते हैं किंग ऑफ कप्स के साथ Uh, कड़ा इनको हाथ में कड़ा पहनने का शौक़ हो सकता है जैसे पंजाबी लोग पहनते तो हो सकता है पंजाबी हो सरदार हो पावरफुल काफ़ी पावरफुल पर्सन होंगे काफ़ी लोग इनको जानते होंगे क्रिएटिव uh, होंगे क्रिएटिव uh, इनके यू नो ड्राइंग इन ऑल दैट हाथ इनका बहुत अच्छा बैठता हो केक आर्टिस्ट हो सकते हैं हॉट काफ़ी हॉट होंगे तभी आपका बेबी बहुत जल्दी हो जाएगा इस पर्सन के साथ आई एम मिसिंग यू क्रेजिली सो दिस पर्सन मिसिस यू बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको रोते हैं आपके लिए यू uh, नो uh, you know, अपने सोलमेट के लिए बिग वेडिंग आपकी बड़ी वेडिंग हो सकती है सबके सामने बहुत ज़्यादा वेडिंग यू you नो know, कुछ लोगों के लिए बड़ी वेडिंग हो सकती है कुछ लोगों के लिए सीक्रेट हो सकती है बैड हैबिट्स इनके कुछ बैड हैबिट्स हो सकते हैं वो इनको चेंज करना पड़ेगा ड्रिंकिंग स्मोकिंग शॉपिंग एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस इनटेक वो सब चेंज करना पड़ेगा पायलट कुछ लोगों के लिए पायलट हो सकते हैं आप हो सकते हो आई गेट जेलस थिंकिंग ऑफ यू विथ समी और के साथ देखते हैं ये आपको या आपको जानते होंगे तो इनको अच्छा अच्छा नहीं लगता है ये सब चीज़ें तब तो किसी से बात मत कीजिए <laughs> सेम कास्ट कुछ लोगों के लिए सेम आपके कास्ट के हो सकते हैं अलग हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए मच्योर काफ़ी मच्योर होंगे इनकी एज ज़्यादा हो सकती है ड्रीमर ये एक ड्रीमर हो सकते हैं आप हो सकते हो फ्री और सेल्फ इस पर्सन को पुरानी चीज़ें बैगेज को फ्री करना पड़ेगा आपको भी माइंड गेम्स इन्होंने आपके साथ बहुत माइंड गेम्स खेले होंगे पहले इट पॉसिबल जो आपको पसंद नहीं आया होगा और आपका ब्रेकअप हो चुका होगा तारे हैं बाराती ये गाना सुनिए इसमें आपके लिए कोई मैसेज होगा फ्लर्ट फ्लर्टन आपके साथ फ्लर्ट करेंगे बहुत ज़्यादा मैरिज के बाद इजिप्ट आप इजिप्ट घूमने जाओगे या फिर आप दोनों पिछले जन्म में इजिप्ट में पैदा हुए होंगे कैप्रिकॉन कैपी आप कैपी हो सकते हो ये वसन एक कैपी हैवी कैपी हो सकते हो यहाँ पे है कैप्रिकॉन का क्या� स्माइल इनकी स्माइल बहुत ही खूबसूरत होगी आपकी स्माइल बहुत ही सुंदर होगी ऐसा हो सकता है ओके गिव मी अनदर चांस इस पर्सन को आपसे दूसरा चांस चाहिए मे भी हो सकता है आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो प्लीज़ रीच आउट टू मी ये चाहते हैं आप इनको पहली, पहले पहले कॉन्टैक्ट करें तो ये फिर आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं आई डिट सो रॉन्ग टू यू इन्होंने आपका जॉब छीना हो सकता है इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया हो सकता है आपके बॉस हो सकते हैं या फिर कुछ भी इन्होंने कुछ आपके साथ बुरा किया है आई डोंट नो वॉट इज दैट प्लीज इन द कॉमेंट सेक्शन स्ट्रॉन्ग ये पर्सन काफ़ी स्ट्रॉग होंगे आ, हिम्मत वाले होंगे डोमिनेंस इनको डोमिनेट करने की आदत होगी जो आप इनको चेंज करनी पड़ेगी आपके साथ मैरिज में आने पे, हर्ट इन द पास्ट इस पर्सन को किसी ने हर्ट किया है पास्ट में आपको क्या हो सकता है टीचर ये एक टीचर हो सकता है बच्चों के साथ काम करते हो एंगर इशू इस पर्सन का एंगर इशूज हो सकते हैं इनको ये सब चीजें चीज चेंज करनी पड़ेगी एक मैरिज में कोर्ट मैरिज तो तीन चीजें आ चुकी हैं कोर्ट मैरिज सीक्रेट मैरिज बिग वेडिंग तो तीनों में से कोई भी एक हो सकता है आपका ठीक है गाइज ईजी गोइंग ये बहुत ईजी गोइंग इंसान होंगे तो आप इनके साथ एडजस्ट कीजिएगा प्लीज ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा फिर ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे फैशन ब्लॉगर आप हो सकते हो ये हो सकते हैं रेस्पॉसिबल वर्गो वर्गो इनका सनसाइन सन मूनराइजिंग में कहीं ना कहीं आता होगा आप क्या आता होगा क्या ही आता होगा आई वॉन्ट टू टाई यू अप ये पर्सन आपको टाई अप करके आपके साथ प्यार करना चाहते हैं हैवी बियर्ड इनके इनकेवी बियर्ड हो सकते हैं लॉन्ग बियर्ड हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए के कैपी फिर दोबारा कैपी आ गया कैपी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो है कैपी बहुत डोमिनेंट है इस रीडिंग पे फॉर्ट इन द पास्ट आप दोनों की कोई लड़ाई हुई है पास्ट में बहुत बुरी तरह बहुत बड़ी लड़ाई हुई है वो चीज़ आपको चेंज करनी पड़ेगी ये सब हरकतें बंद करनी पड़ेगी आप दोनों को रेस्पेक्ट यू दिस पर्सन विल रेस्पेक्ट यू ओके गाइस बहुत ही अच्छा कार्ड है लास्ट वाला रेस्पेक्ट यू सबको से रेस्पेक्ट ही चाहिए होता है एक मैरिज में वो चीज आपको जरूर मिलेगी यहाँ uh, पर कुछ चीज़ों पे वर्क आप दोनों को करना पड़ेगा लड़ाई ना करें प्यार से रहें ओके गई सो दिस वॉज योर रीडिंग आई होप यू लाइक इट इफ यू लाइक इट प्लीज्सअम्स अप ऑन माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू नीड अ पर्सनल रीडिंग डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू ई मेल व्हाट्सऐप एवरी इज मैंशन इन द बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेस Facebook if you want. Thank you so much. I love you all. See you see you in the next video. Bye bye.